हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम ये वाला स्टार बनाएंगे। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्यूट लगता है, बनाना भी बहुत इजी है। तो इसे हम बनाएंगे इस वीडियो में। और ये हमने डोरी के एंड में जो हम लगाते हैं वहाँ पर लगाया है, आगे भी वीडियो हमने बताया है। देखिए इस वाले फ्लावर का, तो ये हमने डोरी में और बच्चों के पलने के लिए झूमर जो बनाया है इसमें दोनों में यूज़ किया है। तो ये डोरी के एंड में हम यूज़ करेंगे। देखिए फिर से इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने झूमर किस तरह से बनाया है और डोरी किस तरह से हमारी है। तो देखिए पहले तो झूमर आप देख लीजिए, मैं वीडियो के एंड में आपको इसका वीडियो दे दूँगी कम्प्लीट, या तो शॉर्ट वीडियो बना करके आपको ये पूरा कंप्लीट दिखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से पकड़ते हैं तो किस तरह से दिखता है साइड में से, कैमरे में फिलहाल इस तरह से दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको ये बता दूंगी किस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ से हम इसको पलने के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये वाला यूज़ किया है, और ये जो हमने सनफ्लावर यूज़ किया है वो इसमें ये लगाया है, और जो दूसरी वाली डोरी बनाएंगे इसमें हम ये वाला लगाएंगे। तो आप कोई भी इस तरह का बना करके, फ्लावर वगैरह बना करके यूज़ करके आप बना सकते हैं। और डोरी देखिए हमारी, देखिए यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है डोरी, और ये डोरी हमने उंगलियों की मदद से बनाई है। इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये डोरी तो हमने पहले ही वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके देख करके बना सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ करके हमने एक इस तरह का लगाया है, ऐसे ऐसे इस तरह से हमने 6 लगाए हैं। आप जितनी भी डोरी रखना चाहते हैं, जितना भी पास पास में ऐसे खिलौने लगाना चाहते हैं वैसे आप लगा सकते हैं। देखिए और एंड में हमने यहाँ पर एक इस तरह का बेल बनाया है, और इसमें हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे से इस तरह से राउंड करके एंड में लगा दिया है। और ये जो हम फिलहाल डोरी बनाएंगे दूसरी, इसमें हम ये वाले स्टार लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो दिखाए वो स्टार, इसमें हमने इस तरह से सिंपल से राउंड पहले हमने येलो बना दिए सिंगल क्रोशे से, और बाद में किनारी अलग अलग कलर से बना दी है, जो हमने फ्लावर में यूज़ की है वो वाले कलर। तो यहाँ पर इसकी जगह हम स्टार लगाएंगे, स्टार बहुत ही प्यारा लगता है। और इस बेल का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो वहाँ पर आपको चैनल पर जा करके अगर देखेंगे तो सभी चीज़ें मिल जाएगी। ये वाला फ्लावर भी, सनफ्लावर भी वीडियो अपलोड हो चुका है, और डोरी का भी और बेल का भी। तो फिलहाल हम इसमें स्टार बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में डोरी के साथ जॉइंट कैसे करेंगे, और ये जो हम डोरी बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह की, देखिए यहाँ पर ये जो लॉक के बाद ऐसी नॉट बन जाती है, क्योंकि लॉक जब हम करते हैं तब यहाँ पर हम सारे धागे लपेटते हैं, तो इस तरह से नॉट लगाते हैं, वो आपकी नॉट दिखाई भी नहीं देगी, और इस तरह का डेकोरेट का डेकोरेट भी हो जाएगा। देखिए तो इसके ऊपर हम फ्लावर किस तरह से बनाएंगे, और सीधा हमने इसके ऊपर ही बुना है। देखिए पहले हमने 2 येलो साइड बना ली, और इसके बाद इसके ऊपर ही सीधा हमने बुनाई की है। तो इस तरह से ऐसा फ्लावर हम इसके ऊपर बना देंगे जो हमने यहाँ पर बनाया है, ऐसा हम यहाँ पर बना देंगे। तो वो सब हम अगले वीडियो में जब डोरी बनाएंगे तब हम देख लेंगे, फिलहाल हम इस वीडियो में स्टार बनाएंगे। तो आप सारी चीज़ें एक एक करके बना करके रेडी कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे आगे बनाते जाएंगे। पहले डोरी कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद झूमर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम धागा ले लेंगे, 4-ply वूल है हमारी, इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे, और फिर यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1-2 और ये 3, 3 चेन बना ली, और इसी मैजिक रिंग के अंदर अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, लूप लिया, हॉल में डाला, लूप लेकर के निकाला, और फिर 2 में से 1 कर दिया, फिर से 2 में से 1 कर दिया। तो इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे इसके अंदर 15 बार, और 3 की चेन को हम साथ में नहीं गिनेंगे। 3 की चेन को हम ज़्यादातर एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, लेकिन इसमें हमें 3 की चेन को नहीं गिनना है, 15 हमें डबल क्रोशे ही बनाने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 बनाएं, और फिर 10 बार बना लेंगे, तो टोटल हमें 15 बार डबल क्रोशे ही बना लेने हैं। तो देखिए 15 बार हमने डबल क्रोशे बना दिए हैं, और अब हम इस रिंग को टाइट कर देंगे, ऐसे खींच देंगे, और अब हम यहाँ पर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। लूप लिया, और जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में हमें जॉइंट करना है, ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें नहीं जॉइंट करेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे की चेन है, इसके अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
पाँच और ये छः, छः चेन बना ली। फिर एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया, फिर दो बार धागा घुमाएंगे और चौथी चेन में ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, और फिर दो बार धागा घुमाएंगे, फिर से पांचवी चेन में ट्रिपल क्रोशिया। हमने छह चेन बनाई थी, एक चेन हमने शुरू में स्किप कर दी, और फिर एक में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और दो ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें यहाँ पर हमने बनाया था इस चेन में, तो दो स्किप करेंगे, एक और दो स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके इस धागे को हम साथ ले लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देंगे ऐसे। फिर से छः चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से ऐसे करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली में थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से दो बार धागा घुमाएंगे और चौथी वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया हम दो दो करके तीन बार निकालेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया दो बार आएगा ऐसे, कंप्लीट हो गया। और फिर से यहाँ से दो चेन स्किप करेंगे, एक और दो, यहाँ पर इस चेन में हमने बनाया था तो इसके बाद की दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच, इस धागे को साथ ले लेंगे, स्लिप स्टिच बना दिया। तो इसी तरह से हमारी पांच पत्ती आएगी और ये हमने 15 बनाया है, एक पत्ती में हमारे तीन यूज़ होते हैं, तो पाँच को तीन से गुना करेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो ये तीन तीन चेन हमारी एक पत्ती में यूज़ होगी। तो एक पत्ती में फिर से आपको करके दिखा देती हूँ, दो तीन चार पाँच और छः, फिर से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। और अब हम एक और दो स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो और दो पत्ती आप इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, आखिरी पत्ती भी हमने बना ली। और अब हम यहाँ पर देखिए एक और दो स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ऐसे हो गया स्टार कंप्लीट। अब हम यहाँ पर और एक रो सिंगल क्रोशे की बनाएंगे सारी किनारी के लिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया, फिर इस तरह से मोड़ दीजिए और ये जो लूप दिखाई देते हैं इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए इस पहले लूप के अंदर डालेंगे हम ऐसे करके सिंगल क्रोशे बना देंगे, एक, फिर से नेक्स्ट में दो, फिर से नेक्स्ट में तीन, फिर से नेक्स्ट में चार, चार बार हमने साइड में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना दिए। अब जो हमारा ऊपर वाला लूप है इसके अंदर हम देखिए इस तरह से लूप उठाएंगे ऐसे, इस लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, फिर इसी लूप के अंदर फिर से वापस से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऊपर वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर हमारी यहाँ पर जो चेन है इसके अंदर फिर से हम चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे। यहाँ पर तो हमारी चेन है तो चेन के अंदर ही हम डालेंगे, एक ऐसे, दो, तीन, चार और ये पांच ऐसे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिए। और अब जो हमने यहाँ पर स्टार कंप्लीट हुआ था तब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच की थी, इसी के अंदर डालेंगे देखिए यहाँ पर, और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे,
एक पत्ती कंप्लीट हो गई। फिर से यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, पहला जो लूप है इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे, दो तीन चार और ये पांच, पांच बार हमने इस साइड बना दिया। अब हम इस वाले लूप के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा, दो चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशा ऐसे, फिर से इस साइड हमारा सिंगल क्रोशा बनेगा पांच बार, हर एक चेन में एक एक बार बनाना है, एक दो तीन चार और ये पांच ऐसे, दोनों साइड हमारे पांच पांच सिंगल क्रोशिया आएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन, एक सिंगल क्रोशिया और ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाई थी इसके अंदर क्रोशे को डाल करके वापस से स्लिप स्टिच कर देनी है ऐसे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्टार दिखाई देगा, देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा। और अब हम इसी तरह से सारी पत्ती कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से लूप में डालेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, और फिर ऊपर वाला लूप उठाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर से, और इस लूप को हम एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। फिर से हमारी पांच चेन थी तो पांच के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो तीन चार और ये पांच। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, तो दो पत्तियाँ वापस से ऐसे बना लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने बना लिया। अब लास्ट में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे ऐसे। और अगर आप ऐसे ही लगाना चाहते हैं कहीं पर तो आप यहाँ से धागा थोड़ा सा लंबा खींच करके काट करके फिर पीछे की ओर ले जा करके नीडल से नॉट लगा दीजिए। और अगर हमें डोरी के साथ अटैच करना है तो देखिए यहाँ पर सबके साथ हमने इतनी चेन रखी है, फिर बाद में एक्स्ट्रा धागा भी रखा है क्योंकि हमें डोरी के साथ इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच की, इसके बाद हम चेन बना लेंगे। हमने यहाँ पर 17 चेन बनाई है, 17 तीन चार पाँच पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और 17। और फिर एक्स्ट्रा धागा हम रखेंगे थोड़ा सा लंबा क्योंकि डोरी के साथ हमें इसे अटैच करना है। तो ऐसे हमने स्टार बना दिया, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे डोरी के साथ नहीं बनाना है तो आप कहीं पर इसे लगाना चाहते हैं, अगर बच्चों के लिए कैप बनाई है या तो कोई भी बच्चों के लिए चीज़ बनाई है आप इसमें लगाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही क्यूट लगेगा। तो आप, आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।